पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश बीजेपी में लगातार भगदड़ का आलम है और अब पार्टी से पलायन करने वालों की लिस्ट में हाथरस से 3 बार के सांसद रहे प्रभु दयाल कठेरिया का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बेटे अरुण कांत कठेरिया को आम आदमी पार्टी से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। प्रभु दयाल का कहना है कि वो 20 साल से टिकट मांग रहे हैं मगर पार्टी ने उनकी नहीं सुनी, मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। प्रभु दयाल कठेरिया ने बताया कि जमीनी नेता होने के साथ उनकी जीत के रिकॉर्ड हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। पार्टी ने 2012, 2014 और 2017 में उनकी नहीं सुनी और 2022 में भी अनदेखा कर दिया। 2 साल से वो बेटे के साथ आगरा ग्रामीण विधानसभा में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अपने या बेटे के लिए टिकट मांगा था, शक्ति प्रदर्शन कर अपने जनाधार को भी दिखाया था लेकिन टिकट नहीं मिला। सोमवार को उन्होंने पहले बेटे का निर्दलीय नामांकन कराया, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। साथ ही बेटे को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाकर उसके आगरा ग्रामीण का प्रत्याशी होने की घोषणा भी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।